नमस्कार दोस्तों, इट्स अबाउट एवरीथिंग में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप माइक्रोवेव ओवन को फुल सर्विस कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सामने जो माइक्रोवेव आपको दिखाई दे रहा है वो हम लगभग 13 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने 2005 में शायद ख़रीदा होगा और ये सैमसंग का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा माइक्रोवेव है। ये सिर्फ एक बार ही मैंने इसे रिपेयर किया था, इसका मैग्नेट्रॉन जो है वो ख़राब हो गया था, तो वो रिप्लेस किया था। उसके बाद वो रिप्लेस भी किया था मैं, शायद 2-3 महीने पहले मैंने रिप्लेस किया होगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया, रिप्लेस करने वाला वीडियो नहीं, मैंने जो वीडियो बनाया वो मैग्नेट्रॉन के ऊपर वीडियो था, तो तभी मैंने रिप्लेस किया था। और पुराना वाला मैग्नेट्रॉन से जो मैग्नेट निकला था उसका मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे। और तो उसके बाद ये जो माइक्रोवेव है बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था। फिर एक दिन दूसरा जो एक फॉल्ट हुआ था उसके टाइमर के साथ थोड़ा बहुत फॉल्ट हो गया था, तो मैंने उसे रिपेयर नहीं किया। और रिपेयर मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगा, तो मैंने उसे डायरेक्ट कर दिया, बाईपास कर दिया, जो कि प्लग लगाते ही और स्विच देने के साथ ही वो चालू हो जाता है और चलता रहता है जब तक कि इसे मैन्युअली ऑफ ना किया जाए। तो मैंने सोचा कि बाद में शायद जब टाइम मिलेगा मैं टाइमर को ठीक कर लूँगा, लेकिन वो मैंने किया नहीं। तो 2-3 दिन पहले मैंने इस पर कुछ खाना गर्म करने के लिए डाला था और उसे बंद करना भूल गया, तो करीब आधा घंटा या फिर 1 घंटे तक यह चलता रहा। और आप देख सकते हैं इसका हालत क्या है, अंदर उसका जो टर्न टेबल है वो भी टूट चुका है, तो खाना ओवर हीट होकर स्मोक करने लगा और जो धुआँ है वो, जो तेल होता है खाने में, वो कंडेंस होकर चारों तरफ फैल गया और अंदर का जो वाइट पेंट था वो भी थोड़ा स्टेन होके येलो कलर का हो चुका है। और जो शीशा था वो बहुत ही गर्म था, तो मैंने उसे निकाल कर अंदर को ठंडे कपड़े से मैंने सोचा कि वाइप कर लूँगा, तो मैंने टर्न टेबल को निकाला, उसे किचन सिंक में डाला, तो ठंडा पानी पड़ते ही वो कांच टूट गया। तो मैंने उस वक्त ये सोचा ही नहीं कि कांच अगर ठंडा पानी पड़ेगा तो टूट जाएगा, तो इस तरीके से क्रैक आ गया टर्न टेबल पर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं इसे खोल रहा हूँ, पीछे की तरफ 2 या 3 स्क्रूज है, बाकी सब स्क्रू खो गया है। तो उसके बाद ये आसानी से आ जाता है ऊपर वाला कवर, थोड़ा बहुत धूल वूल हुआ पे है, आप देख सकते हैं तेल का जो कंडेंस्ड ऑयल होता है वो ऑयल मार्क यहाँ वहाँ पे लगा हुआ है। ये जो कवर है अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं कवर पर तेल लगा हुआ है। और इन सब को मैं थोड़ा साबुन वाले पानी से धो दूँगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रिकल जो सेक्शन है, उन सब में मैं पानी नहीं लगाऊँगा। पूरी तरीके से खोलने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को अलग करके बाकी जो बॉडी है उसे मैं पानी से, साबुन वाले पानी से धोऊंगा। तो मैं ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर करने वाला हूँ। आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये किया जाता है। ये पर्टिकुलरली मॉडल जो है सैमसंग का वो अब नहीं मिलता है, वो 2005 या 2006 में मिलता था। तो ये देख सकते हैं मैंने दरवाज़ा किस तरीके से निकाला है, बहुत ही आसान है। दरवाज़े का जो लैच है वो मेटल का लैच है, जो कि जो दरवाज़े पर एक नेट होता है ताकि माइक्रोवेव बाहर ना आए, तो वो पूरी तरीके से ग्राउंडेड होता है, इसलिए वो लैच भी मेटल का है। और बाद में आप देख सकेंगे दरवाज़ा को मैं पूरी तरीके से खोल लूँगा, तो तब वो किस तरीके से बना हुआ है वो भी आप देख सकेंगे। इसके टर्न टेबल और इसका अंदर का जो व्हील है वो सबको मैंने निकाल लिया है। अब जो आप देख रहे हैं वो है उसका मैग्नेट्रॉन जो सामने है, और उसके नीचे ट्रांसफार्मर है, और दाईं तरफ जो है वो फैन है। आप देख सकते हैं ऑयल वहाँ पर कंडेंस होकर जम गया है, ट्रांसफार्मर जला हुआ नहीं है, दिखने में ऐसा लग रहा है वो ऑयल का मार्क थोड़ा बहुत पड़ गया है। मैं उसे साफ़ करने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। और कैपेसिटर और फ्यूज़ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा वो टेप लगा हुआ है इसलिए, क्योंकि मैंने मॉडिफाई किया था मैग्नेट्रॉन को। ये मैग्नेट्रॉन दरअसल इसमें फिट नहीं होता था, उसका मैग्नेट्रॉन का जो प्लग है वो नीचे की तरफ था, लेकिन इस वाले में वो बाईं तरफ है, इसलिए मैंने वायर को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं ये जो कूलिंग फैन है,
पूरा तेल लग गया है इसमें और ये देखने में एकदम ही अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो है ये इसका टाइमर सेक्शन है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि रिले इसको पावर देता है। और नीचे की तरफ देख सकते हैं ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने बाईपास किया था, ये कनेक्टर दरअसल टाइमर पर लगता था तो इसे मैंने बाईपास करके डायरेक्ट कर दिया, तो प्लग लगा थी माइक्रोवेव चालू हो जाता था। लेकिन मैंने दरवाजे पर जो स्विचेस है सेफ्टी स्विचेस वो मैंने छोड़ दिया था, मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। तो माइक्रोवेव खोलने से पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो इसका कैपेसिटर जो है वो करीब 2000 वोल्ट तक स्टोर कर सकता है, चार्ज को रख सकता है। तो अगर आपने माइक्रोवेव को ये यूज़ करने के बाद करीब 10-15 मिनट पहले आपने यूज़ किया हो और उसके बाद आप खोल रहे हैं तो ये देख लीजिए कि कैपेसिटर में चार्ज ना बना रहे। और अगर वैसे कैपेसिटर का अंदर की तरफ वो इंटरनली एक हाई रेजिस्टेंस होता है जो कि वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाता है अगर आप उसे एक रात छोड़ देंगे बिना प्लग के, प्लग को बिना लगाए। तो मैंने उसे करीब करीब पड़ा हुआ था एक दिन, तो फिर भी मैंने देखा कि अगर कोई चार्ज है या नहीं, इसलिए मैंने डिस्चार्ज कर लिया, एक वायर से देख लिया कि उसमें चार्ज है कि नहीं। अगर ये चार्ज रहता है तो उससे जो झटका लग सकता है उससे आप मर भी सकते हैं, इसलिए इस बारे में आप बहुत ही सावधान रहें। ये जो आप देख रहे हैं तो मैंने ग्राउंडेड कनेक्शन को खोल लिया है और अब ये जो टाइमर सेक्शन का जो सर्किट है इसका फ्रंट पैनल मैं खोल रहा हूँ। स्क्रू को खोलने के बाद बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। वैसे जो टाइमर का जो बोर्ड है वो इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ एक ही पावर कॉर्ड लगा हुआ था जो शायद उसके नीचे जो टर्न टेबल का मोटर होता है उसको पावर देता है। वो टर्न टेबल का मोटर जो है वो हाई पावर का नहीं है, लो पावर का है, इसलिए शायद उस तक जो बिजली पहुंचती है वो इस ट्रांसफार्मर से पहुंच रहा होगा। तो ये है पूरा टाइमर सर्किट। अब मैं मेन पावर कॉर्ड को खोलने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन करंट होता है वो अंदर आने के बाद एक एंटी सर्ज प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड कुछ ऐसा बना हुआ है वहाँ पर जाके लगता है। वहाँ पे आप इंडक्टर और कैपेसिटर वगैरह फ्यूज़ वगैरह सब यहाँ पे होते हैं जो एंटी सर्ज प्रोटेक्शन के लिए शायद होता होगा, मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन देख कर लगता है कि ये शायद फिल्टर बिजली को स्मूथ करने के लिए काम में आता है इंडक्टर और कैपेसिटर। और बॉडी पर जो लगा हुआ है वो ग्राउंडेड केबल है, जो अर्थिंग होता है वो अर्थिंग का केबल है। ये पूरा वीडियो करने के दौरान मैंने सिर्फ एक हाथ से कैमरे को पकड़ा हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया पूरा काम करने में, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया था, इसलिए मुझे एक हाथ से करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने पावर कॉर्ड को पूरी तरीके से निकाल लिया है। मैं सर्किट बोर्ड से जो पावर आउटपुट जाता है वो खोल रहा हूँ, पूरा वायरिंग हार्नेस जो है वो खोल रहा हूँ। तो ये मोटर पर लगने वाला केबल है, ये बहुत ही सख्ती से लगा हुआ था तो मैंने ऑफ कैमरा उसे थोड़ा ढीला कर लिया था, फिर उसके बाद ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसे खोलना चाहिए। ये मोटर करीब तीन केबल से चलता है, एक है जो न्यूट्रल होता है दो फेज है, एक्चुअली ये मोटर टू स्पीड मोटर है, इसलिए जब मैग्नेट्रॉन चल रहा होता है तो थोड़ा हाई स्पीड पर चलता है और जब डिओड्राइजर चल रहा होता है तो ये मोटर थोड़ा लो स्पीड पर चलता है, इसलिए इस मोटर पर तीन केबल लगे हुए थे। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप ये एक थर्मल कट ऑफ स्विच है,
जो 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर ये बॉडी जिसके साथ ये लगा हुआ है अगर वो 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली ये मेन पावर को कट कर देता है, इसीलिए बॉडी के साथ ये कनेक्टेड रहता है, टच बॉडी के साथ ये टच किया हुआ होता है। और ये ब्लू वाला जो जैक है वो लाइट है, जो अंदर की तरफ दरवाज़ा खुलते ही जो लाइट जलता है वो लाइट है ये। माइक्रोवेव जो है वो दरअसल एक्चुअली लोग बोलते हैं कि ख़तरनाक होता है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल जानते हैं, रिपेयर जानते हैं, तो ख़तरनाक नहीं है। जैसे कि जो सेफ्टी स्विचेस होते हैं दरवाजे में, वो स्विचेस को भी डिसेबल नहीं करना चाहिए। दरवाज़ा खुला हुआ अवस्था में अगर मैग्नेट्रॉन चल पड़ता है तो जो माइक्रोवेव निकलता है उस मैग्नेट्रॉन से वो आपको हानि पहुँचा सकता है, आपको क्षति कर सकता है, इसलिए वो सेफ्टी स्विचेस को कभी भी हटाना नहीं चाहिए, कनेक्टेड रहने देना चाहिए। और मैंने डायरेक्ट करते समय भी ये बात ध्यान में रखा था। यहाँ पे एक्चुअली 3 स्विच होते हैं दरवाजे पर। पहला वाला स्विच जो है वो दरवाज़ा खोलते ही मेगाट्रॉन को डायरेक्टली ऑफ कर देता है, और जो दूसरा वाला स्विच है वो टाइमर को ऑफ कर देता है और टाइमर मेगाट्रॉन को ऑफ कर देता है, तो ये एक सेकेंडरी सेफ्टी स्विच है। और जो लास्ट वाला कनेक्टेड स्विच है दरवाजे पर, वो वाला स्विच दरवाजे को खोलते ही टर्न टेबल को बंद कर देता है और लाइट को जला देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले वाला स्विच से जैक को खोल लिया है और ये दूसरा वाला स्विच है। ये स्विच थोड़ा सख्ती से लगा हुआ था तो मैंने जैक को ना खोल के पूरा स्विचिंग जो रिले जैसा कुछ है उस पूरे कंप्लीट स्विच असेंबली को मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये रहा वो स्विच, और आखिरी वाला जो स्विच है वो नीचे है, 3 नंबर का जो स्विच है। इनमें से अगर कोई भी एक स्विच खराब हो जाए तो वैसे तो माइक्रोवेव काम करना बंद कर देगा, और अगर शॉर्ट हो जाए तो दूसरा जो सेफ्टी का स्विच है वो काम करेगा और दरवाज़ा खुलते ही मेगाट्रॉन को ऑफ कर देगा, टाइमर को ऑफ कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं आधा वायरिंग का हार्नेस मैंने आधा खोल लिया है। मैंने स्विचेस को दोबारा लगाकर आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे स्विच लगे हुए होते हैं। दरवाजे को लगाते ही ये स्विचेस जो है वो दब जाते हैं और मेगाट्रॉन को चालू कर देते हैं, और जो टाइमर के साथ लगा हुआ है स्विच वो टाइमर को ऑन कर देता है, और टाइमर को दबाते ही उसके बाद टाइमर के बटन से मेगाट्रॉन चालू होता है। अगर दरवाज़ा खुला होगा तो टाइमर भी चालू नहीं होगा, और जो प्राइमरी जो स्विच है वो तो मेगाट्रॉन को डायरेक्टली कंट्रोल कर ही रहा है। ये 2 स्क्रू के साथ लगा हुआ है, दोनों स्क्रू को खुलते ही ये पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। अब देख ही पा रहे होंगे कि अंदर की तरफ से थोड़ा बहुत जंग वंग लग गया है या हुआ पर, क्योंकि ये बहुत पुराना माइक्रोवेव है, बहुत दिनों से हम यूज़ कर रहे हैं। इस हालत पर ज़्यादातर लोग माइक्रोवेव को फेंक देते हैं, इसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैं इसको सर्विस कर सकता हूँ और ये कैसे काम करता है मुझे पता है, तो इसे ठीक करके चला रहा हूँ। अभी तक ये सिर्फ दो बार ही रिपेयर हुआ है, एक बार मेगाट्रॉन चेंज हुआ है और दूसरी बार मैंने डायरेक्ट किया था, ये जो आप देख रहे हैं 2 केबल इसको मैंने डायरेक्ट किया था और अभी इसका सर्विस कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं मैग्नेट्रॉन से जो बाई तरफ जो जैक है वो जैक मैंने खोल लिया है। इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा भारी जो चीज़ है वो है इसका ट्रांसफॉर्मर, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसका मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन जो होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो 2000
वोल्ट की एसी करंट जब उस पर जाता है तो वो हीट होता है और इसके अंदर एक कह सकते हैं आप ट्यून्ड एक वैक्यूम ट्यूब होता है जो प्रिसाइसली ट्यून किया हुआ होता है, जैसे कि सीआरटी टीवी पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम छोड़ा जाता है, उसी तरीके से अंदर जो फिलामेंट गर्म होता है उससे इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ बीम निकलता है और जो ऑसिलेट करता है अंदर उससे माइक्रोवेव जनरेट होता है। तो अगर झटका वटका लग जाता है ज़ोर से माइक्रोवेव पर या फिर मैग्नेट्रॉन पर तो वो फिलामेंट अगर गिर जाता है तो वो माइक्रोवेव काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं मैं ये जो एंटी सर्ज प्रोटेक्शन जो सर्किट है उसे मैं खोल लिया है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं मैग्नेट्रॉन को खोल रहा हूँ, ये दो स्क्रू से लगा हुआ होता है। दोनों स्क्रूज को खुलने के साथ वो आराम से बाहर निकल आता है। और ये देखिए किस तरीके से ये बाहर आ गया। आप जो देख सकते हैं वो जो शाइनी जो गोल्डन कलर का कुछ है वो है दरअसल एक आरएफ गैसकेट है। देख सकते हैं तेल का मार्क साइड पर भी थोड़ा बहुत तेल कंडेंसेशन हो गया है। तो जो आरएफ गैसकेट है वो माइक्रोवेव को सील रखता है वेव को, ताकि वो वेव ट्यूब से होते हुए अंदर चैम्बर की तरफ चला जाए। तो सारे स्क्रूज को मैंने जगह पर टाइट कर दिया ताकि खो ना जाए। तो उसके बाद मैं जो फ़ैन है उस फ़ैन को मैं खोलूँगा। आप देख सकते हैं फ़ैन दरअसल पूरा वाइट कलर का था, लेकिन यहाँ पे इसमें ऑयल लग गया है और उसके कारण ये पूरी तरीके से इसका कलर चेंज होकर पीला हो गया है। तो पहले मैं जो फ़ैन का जो ऊपर का प्लास्टिक का कवर है वो वाला कवर मैं पहले निकालूंगा। ये एक स्क्रू के साथ लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक छोटा सा लॉक जैसा कुछ है, एक लैच जैसा कुछ है जो खींचने पर बाहर निकल आता है। और ये आ गया, हम देख सकते हैं पूरे तरीके से चारों तरफ एकदम तेल लगा हुआ है। और ये जो है वो कूलिंग फैन है। ये फैन दो नट से पीछे की तरफ से लगा हुआ है, ये इन दोनों नटों को खोलते ही पूरा का पूरा फैन हाथ में आ जाता है। क्योंकि मैं पूरा शूटिंग एक हाथ से कैमरा पकड़ के कर रहा हूँ तो इसलिए मैं नट को खोलने के बाद एक दूसरे टेक में मैं इसे खोलते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं ये एक शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है और इसके बाद कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो मैं खोल रहा हूँ। आप जो देख रहे हो ये पिंक कलर का जो है ये ट्यूब, उसके अंदर एक हाई वोल्टेज फ्यूज़ होता है। और एक डायोड होता है जो कि कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड होता है और बॉडी के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर और डायोड जो काम करता है वो दरअसल ट्रांसफार्मर से 1000 वोल्ट निकलता है और उसे कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और फिर ट्रांसफार्मर का जो वोल्ट है 1000 वोल्ट और कैपेसिटर के 1000 वोल्ट उन दोनों को एक साथ मिलाकर डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि डायोड से उस वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसी करंट के हर साइकिल में एक बार
ये 2000 वोल्ट का डिस्चार्ज होता है, मैग्नेट्रॉन के अंदर जो फिलामेंट है उस पर। आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर और डायोड एक वोल्टेज मल्टीप्लायर का काम करता है यहाँ पर। तो मैंने कैपेसिटर को भी निकाल लिया। पूरा वायरिंग करने के दौरान अगर मैं भूल भी जाऊँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा हुआ है, तो मुझे शायद ये वीडियो दोबारा देखना पड़ सकता है लगाने के लिए पूरा वायरिंग। ये जो तेल है वो कैपेसिटर पर भी थोड़ा बहुत पड़ गया है। वैसा यहाँ पर तेल का जो फ्यूम होता है वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो खाना जल रहा था अंदर, और एक्चुअली वो जल नहीं रहा था, वो ओवर हीट होकर जो ऑयल होता है वो उबलने लगता है और उसका एक फ्यूम निकलता है जो एक भाप जैसा हो जाता है, और वो तेल फिर कंडेंस होता है, जिस कहीं पे भी ठंडा मेटल होता है वहाँ पर लगते हुए कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर जम जाता है। जैसे कि हम अपने किचन पर किचन चिमनी पर देखते हैं जो कंडेंस होकर ऑयल जमा हो जाता है, वो ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर ऑयल को आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया। अब उसे पूरी तरीके से वॉश करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट के दो जो वायर है जिससे 220 वोल्ट एसी अंदर जाता है, वो दो जैक अभी मैं खोल रहा हूँ। मैंने ट्रांसफार्मर का जो 3 या 4 स्क्रू होते हैं नीचे, वो मैंने खोल लिया था ऑफ कैमरा, क्योंकि वो बहुत ही भारी है और मुझे दोनों हाथों से काम करना पड़ा, इसलिए मैं ये कैमरे पर दिखा नहीं पाया। तो ट्रांसफार्मर के खोलने के बाद अब सिर्फ दो ही चीज़ें बचे हैं, एक है वो थर्मल जो कट ऑफ स्विच है वो, और नीचे वाला जो टर्न टेबल का जो मोटर है वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 स्क्रूज हैं जो पूरा बेस पैनल को मेन बॉडी के साथ कनेक्टेड रखता है। इन दोनों स्क्रू को मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा ढीला कर लिया था, क्योंकि अब तो जानती है मैं एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ, कैमरे को पकड़े हुए हूँ। तो दोनों स्क्रू को निकालने के बाद ये पैनल बहुत ही आसानी से खुल जाता है। और इसे खुलते आप देख सकते हैं नीचे के पैनल में तेल लगा हुआ है, और ये जो मोटर है आप देख सकते हैं 21 वोल्ट एसी लिखा हुआ है इस मोटर पर। इसे 21 वोल्ट जो मिलता है वो उस ट्रांसफार्मर से मिलता है जो कि टाइमर बोर्ड पर है, वही ट्रांसफार्मर पावर देता है रिलेस को और इस मोटर को। शायद इस मोटर को लो वोल्टेज रखा गया है इसलिए ताकि ये शॉर्ट ना हो जाए, हाई वोल्टेज हो गया और शॉर्ट हो गया तो शायद झटका भी लग सकता है, इसलिए इसे लो वोल्टेज रखा गया है। तो नीचे का पैनल आसानी से खुल जाता है, उसके बाद ये पूरा का पूरा वायरिंग हार्नेस जो है वो एकदम हाथ में आ जाता है। तो मोटर को खोलने के लिए सिर्फ एक ही स्क्रू है, उसे ढीला देते ही पूरा का पूरा मोटर ढीला हो जाता है, और टर्न टेबल का जो नॉब होता है अंदर की तरफ वो नॉब धीरे से खींचते ही खुल जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे खींचा और ये खुलकर हाथ में आ गया। और ये अलग से हाथ में आ जाता है।
आप देख सकते हैं इसमें एक नॉच, ये पीछा कटा हुआ होता है ताकि ये स्लिप ना करे और ठीक तरीके से फिट हो जाए। और इस तरीके से बना होता है कि मोटर को पहले खोलने के बाद ही ये खुलेगा। अगर मोटर लगा हुआ हो और अंदर की तरफ से आप इसे खींचे तो वो खुल के नहीं आएगा। और आखिर में जो खुलने जा रहा है वो है वो हीट सेंसर, थर्मल कट ऑफ स्विच। ये बहुत ही आसानी से खुल के आ जाता है। तो इसके खुलने के बाद अब ये सिर्फ पूरा का एक मेटल का डब्बा ही है और कुछ नहीं है। तो ये सारे चीज़ें खुलने के बाद अब देख सकते हैं, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सभी चीज़ों को साबुन वाले पानी से धोने वाला हूँ। और जो इलेक्ट्रॉनिक के जो सेक्शंस है उन्हें मैं नहीं धोऊँगा क्योंकि वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो मेटल की चीज़ है जो मैं धो सकता हूँ नई चीज़ों को मैं धोऊँगा, मेगाट्रॉन को छोड़कर और ट्रांसफार्मर को छोड़कर। तो ये रहा माइक्रोवेव पूरी तरीके से डिसअसेंबल करने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।